क्या पेट में भी दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास पी लो दवाई। ये तो वाला है, गुड गुड करो। पी लो पी लो पी लो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और हमारे एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई। आज इवनिंग से इसलिए शुरुआत हो रखी है क्योंकि आज मेरे बेटे की मुझे जहां तक लगता है मौसम चेंज और इतना इधर उधर जाने से उसकी हो गई है तबीयत खराब। और वो बेचारा देखिए कैसे पड़ा हुआ है। क्या हो गया बेटू? क्या हो गया बाबू? क्या हुआ बेटा? पानी पीना है। पानी पिलाता हूँ आपको। क्या फीवर आ रहा? क्या हो रखा है? फीवर आ गया। नोज ही बंद है। ओहो चलो कोई नहीं, अभी सही करते हैं ठीक है। स्कूटी में नहीं जाएंगे बेटा, स्कूटी में ठंडा लगेगा ना। हैं? पीछे नहीं बेटा, स्कूटी में क्या होगा, ठंडा लग जाएगा ना। कार में जाएंगे डॉक्टर के पास ना बेटू। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, देखो कितना गर्म हो रहे हो। ओ माय गॉड, क्या दू? पानी देता हूँ, पानी देता हूँ। रुको बबूज का पानी दे दो यार, पानी दे दो। और फ्रेंड्स अभी अभी मुझे फोन आया है जियांशी, इसकी छोटी बहन की भी तबीयत खराब है। दोनों बच्चे एक साथ, भाई बहन एक साथ बीमार पड़े हैं, तो अभी उसको भी लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास और इन दोनों को थोड़ा सा मेडिसिन देकर इनको सही करते हैं। हाँ? यार ये मुझे कपड़े भी नहीं पहनाने रहा, प्लीज आप पहना दो, प्लीज आप पहना दो उसके कपड़े। हाँ उसका काफी ज्यादा हो रहा है। और दोस्तों हमारा जो घर हो रहा है बहुत ज्यादा मैसअप हो रहा है, प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। क्या पेट में भी दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, आपको सब दिखा देगा। चलो सब दिखा के लाते हैं ठीक है। हाँ चलो तैयार कर दो इसको फटाफट। आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। हाँ। क्या हो गया आपको? और पेटू में? हाँ। और हमने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमने डॉक्टर से कह दिया डॉक्टर इसको इंजेक्शन नहीं लगाना है ठीक है, कह दिया ना हमने। कुछ बोला ही भाई। क्या डॉक्टर ने तो कुछ बोला ही नहीं? डॉक्टर ने कह दिया, आवाज ही नहीं आई। अरे मैंने कह दिया, आप तो गए वो वाले डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर के पास आपसे स्कूल वाली चेयर है ना, वो तो अच्छे वाले डॉक्टर है ना। ठीक हाँ। है तो फ्रेंड्स इसको हम ले जाते हैं डॉक्टर के पास और जल्दी से इसके मेडिसिन ले आते हैं क्योंकि इसके पेट में भी दर्द हो रही है और उसको बुखार भी बहुत तेज आ रहा है, तप रहा है। तो लेट्स गो। अपने बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ कहीं वहाँ जा रहे हैं, फन सिटी वो देखो। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली है ना ये अपनी दादा दादी वाली है, दादा दादी की लाडली, तो ये उन्हीं के संग अच्छा मानी। तुम कह रही माँ बापो से कह रही है तुम, मैं तुम्हारे संग ना रहूंगी तुम लोगों के साथ। अब ये दादा दादी के साथ रहूंगी, उनके संग तो पता भी नहीं चलता। तुमको अच्छा नहीं मान रही है, कह रही मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं। यार मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं रहती, मतलब रहती क्या नहीं, वैसे नहीं रहती, शांत नहीं रहती मतलब मेरे साथ। पापा और अगर पापा बुलाते हैं जब इसको, पापा की तो आवाज के पीछे जा रही है। अभी जब नीचे को आ रही थी दादू को पलट पलट के देख लिया था। हाँ पापा वो आ रही नहीं आ रही, देख रही मतलब। कल पापा ने इसके बर्थडे में कहा मैं खिंचाऊंगा फोटो, मैं कहा पापा दूर खड़े, पापा ने इसको आवाज लगाई, टुप 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 पापा की तरफ चल के आने लग गई। बहुत स्मार्ट हो गई अभी से अपने दादा दादी वाली। ये देखो मम्मी पापा को ऐसे बुतियाना पड़ रहा और दादा दादी के साथ पता ही नहीं होता है बैठी है नहीं बैठी है। और देखो मेरे को देख रही, कैमरा देख रही है, कुछ दिनों बाद कहेगी रील बनाती हूँ बुआ चलो तुम्हारे साथ, मेरी रील पार्टनर, मेरी रील पार्टनर है मेरे बेटे की। तो बहुत तबीयत खराब हो रही है दोस्तों, तो उसकी तो बहुत ही हालत खराब हो रही है, मेरे बच्चे को बहुत बुखार आ रहा है थोड़ा सा। और वो पीछे मस्त हो रही मेरे को देख रही है, कह रही है कुछ दिनों बाद कहेगी। चलिए हॉस्पिटल में पहुंच ही गए और इनको फटाफट दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये देखिए हमारे पीछे हम आज बच्चे लेके आए हैं सब। एक्चुअली जियांशी की तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो रही है, कुछ नहीं सबको बर्थडे का थोड़ा सा हो गया, तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। इनका नंबर हमने वैसे फोन से लगा दिया था, अब देखते हैं नंबर कितनी देर में आता है, फिर दिखाते हैं फिर बताते हैं आपको डॉक्टर ने क्या कहा। मना भी करते हैं, कितना परस्त हो गया मेरा बेटा। यहाँ पर आके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे घर में जब टीवी लगता था ना संडे के दिन और बच्चे आगे बैठ के टीवी देखते थे और सब बड़े पीछे बैठे रहते थे, तो वही वाली सेम फीलिंग मुझे यहाँ भी आ रही है। दोस्तों गौरांश कह रहा है मेरे पेट में दर्द हो रही, तो अंकित उसके पेट को थोड़ा मल रहे हैं आराम आराम से, जब तक नंबर नहीं आता है तब तक। और जियांशी को यहाँ पर चलना है, जियांशी कह रही मुझे वॉक करनी है, वो देखो वो भी निरीक्षण ले रही है, वो देखो वो देखो वो देखो।
कितने गौर से देख रही हो। डॉक्टर क्या करेंगे भी अंदर जाके? ऐसे देखेंगे मुँह में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उसे क्या कहेंगे डॉक्टर? तो बहुत बुखार है। ऐसा कहेंगे डॉक्टर? हाँ फिर आपको भी डॉक्टर में पेट में भी दर्द हो रहा है बोलते फिर क्या कहेंगे? ओके उसको मेडिसिन देंगे ठीक है। देखिए दोस्तों जियांची कितना खुश हो रही है उसमें छोटी सी चेयर में बैठ कर। ये दोनों अपना मदर पेरेंट्सहुड एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों इसको इतना मजा आ रहा है। भैया 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 सुन तू इसको फोल्ड करके जल्दी गाड़ी के पीछे रखा। चेयर को फोल्ड कर जल्दी गाड़ी के पीछे रखा जल्दी से। अगर इसी को फोल्ड करके गाड़ी के पीछे रखा पागल जो भी मजा तो एंजॉय तो कर रही है उसको। तू यहाँ से ना सुन यहाँ से सीधे चेयर लेने चल। बोल रहे हो कितना मच पागल सब ले। तुम लोग हॉस्पिटल आए हो बाइक को ऐसे पागल तू लिस्ट बना ले पहले टीवी फिर चेयर। नहीं नहीं कुछ और मांग रही है। बाले में बैठना है बाल। ये है कितनी तेज है यार। पहले किस पे बैठाओ फिर किस पे बैठाओ। अब वो उसको चलना है वहां से वहां तक चलना है उसको। हाँ रहने दे तू हाथ छोड़ दे के बाद चल ले। चलती तो है वो। हाँ चलने दे। ये देखो ये देख रहे टीवी कार्टून। ये देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है इसका कार्टून। डैडू से कह रही उंगली पकड़ के चला मुझे। वो देख उठ जाओ। और यहाँ पर सब बाबू अपने बच्चों को देख रहे हैं। ये अपने बच्चों को बेटे को देख रहे हैं वो अपनी बेटी को देख रहा है। और माए फ्री बैठी हैं ऐसे माए मजे ले रही हैं। यो देखो वो चल दियो। जियांशी बाय। जियांशी बाय बाय बाय। और यहाँ ये बैठे हुए जो है वो अंकित दवाई ले रहे हैं मेडिसिन। और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों गौरांश को दिखा दिया है वो देखिए पीछे से आ रहा है। और दवाई वगैरह हमने ले ली है अब सीधे घर को ही जाते हैं क्योंकि दवाई वगैरह भी घर जाके दूंगी इसको। फिर देखती हूँ कल फीवर टूटता नहीं टूटता। दोस्तों यहाँ पर गौरांश मुझे गाना सिखा रहा है। कह रहा ये वाला गाना गाते हैं। कैसे गाते हैं? ला ला उ ला ला आ आ इ इ इ ऊ ली आ आ ऐसे कहते हैं। ला ला आ आ आ ला ला यहाँ पर अंकित दवाई लेने गए थे बाहर। दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं और अब गौरांश को दवाई पिला देती हूँ फटाफट क्योंकि उसने गाड़ी में पीनी थी। डॉक्टर ने बोला था अभी पिला लो पेट दर्द ठीक हो जाएगा तो अब पिलाती हूँ फटाफट उसको दवाई। फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों गौरांश को दवाई पीनी है और इन दोनों को अपना खाना खाना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए ये दोनों महारानियां ना अपना खाना खाने आ जाती हैं। बस टुई 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 जैसे हम घर आए वैसे हमारे पीछे पीछे आ गई दौड़ दौड़ के। क्या ये वाली ना बहुत बिगड़ गई है। क्या चाहिए तुम लोगों को? एकदम ये तो प्यारी ये तो शोनी परी ये शोनी परी ये तो डरती भी नहीं है तो प्यार करने देती है हमको जाली प्यार करने देती है। पहले गुड गुड करके जल्दी पी लो दवाई। गुड गुड करो पी लो होती है। ये बस घर आके के दवाई पीने लग गया है। बच्चों की आदत मीठी होती है। गुड गुड चॉकलेट एक और भी चॉकलेट फ्लेवर है। वाओ देखो किसी ने ये देखो चॉकलेट फ्लेवर है ना मीठी। वेरी गुड। अब पानी पीना है आपको? पानी पीना है? अच्छा पानी देना। बस हो गया चलो पानी वो दवाई नहीं खाएगा अगर ऐसे नहीं करूंगा बस। ये देखिए दोस्तों विस्की का नया स्टाइल अपने क्या कहते हैं फेस को कैसे बॉल के ऊपर दबा के बैठी हुई है। ये एक्चुअली मुझसे कह रही थी कि खेल कर मेरे साथ खेल कर। मैंने कहा मैं नहीं कर रही तेरे साथ खेल मैं बहुत बिजी हूँ। तो अब ये ऐसे बैठ गई है। दोस्तों आज मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है तो बब्बू उसी को देख रही है और आज रोटी में बना रहा हूँ। ये देखिए
जैसी तो मुझे आती तो है नहीं, बस जैसे मैंने अपनी वाइफ को देखा उसको बनाते हुए देखी है तो बना रहा हूँ। जैसी होती है वो उसको जली कली रोटी खाएगी खाएगी। देखिए ये मेरा फुलका तैयार है और ये मैं बब्बू को दे आता हूँ। कैसा हो रहा है? लो बब्बू। हाँ, अरे मेरे को अपनी के लिए यार। खा लो यार एक फुलका और खा लो। अरे यार ये पता नहीं कैसी बनी है। बहुत अच्छी, मेरे को तो लगी ना कि फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ रोटी, मस्त रोटी बना रही दोस्तों। मेरे को पता बेचारा। हाँ बेटा क्या घर आपकी तबीयत कैसी हो रही? बेटा आपकी तबीयत कैसी हो रही? गंदी। अभी 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 बड़ी मुश्किल से रोटी खा रहा है। बस अभी खाई मत करो, फाइनली बहुत देर बाद वो कुछ खा रहा है तो उसे प्लीज खाने दो। ओके बेटा नहीं कर रहा हूँ डिस्टर्ब। लेकिन दोस्तों सच में मेरे पति ने बहुत अच्छी रोटी बनाई है, मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतनी अच्छी रोटी बनाएंगे। हाँ डिस्टर्ब मत करो हमको भाई, जाओगे। ओके ओके ओके। आप कहाँ से निकल लो मोटी? आज जैसे कि मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए ना, बाहर जा पाए, सिर्फ उसके चक्कर में लगे रहे हैं। तो आज का ब्लॉग भी थोड़ा छोटा ही बना है, बट अगेन क्योंकि ब्लॉग हम डेली ब्लॉग कोशिश करते कि करें आपको कुछ ना कुछ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाएं, इसलिए हमने कहा चलो आज चाहे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का कुछ भी बने, बने तो सही। तो इसी के साथ हम ये ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में।